आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ असलम जी हैं अमरावती से, स्वागत है आपका। हेलो जी, वाले सलाम। मेरे को डाइजेशन का काफी प्रॉब्लम है, अभी तो अगर ऐसा है कि 2 दिन से मेरा पेट भी साफ नहीं हो पा रहा है और काफी टाइम से लंबे वक्त से डाइजेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, 25 साल से। ठीक है, डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है आपको? आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं है, लेकिन डाइजेशन का बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक घरेलू नुस्खा है और ये आप लेंगे तो आपको वेस्टर्न लोगों को उसी दिन या अगले दिन फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि आप गर्म पानी पिया करें रोज़ाना 5 गिलास, ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और 400 ग्राम अलसी खरीदें, हल्का सा भून के रखें इसे, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा यानी सहजन का गौंद मुश्किल से मिलता है ज़रा, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छा। 400 ग्राम अलसी, 100 या 150 ग्राम आप मोरिंगा का गौंद के साथ पाउडर बनाएं, और ये एक छोटा चाय का चम्मच जितना होता है, टीस्पून जिसे कहते हैं, सुबह निहार में गर्म पानी से लिया करें और रात को भी ले सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है तो ये खुराक पेट में जाते ही अपना काम शुरू करती है और उसी दिन या अगले दिन से बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। तो आप इसे कंटिन्यू 1 महीने भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए, आपको फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों को दर्शकों सारे उपचार उसी प्रकार से करने हैं जिस प्रकार से हकीम साहब जी आप लोगों को बता रहे हैं। कोई भी रोग क्यों ना हो आप लोगों को, बड़े से बड़ा रोग, छोटे से छोटा रोग, सभी का निदान हो सकता है जब आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं। तो अगर आप लोग रोग मुक्त जीवन पाना चाहते हैं और बहुत सारा धन खर्च करके आप लोग थक चुके हैं दर्शकों, तो एक बार आप सभी से कहना चाहूँगी, आप लोग अपना सीधा प्रश्न कर सकते हैं निसंकोच। कोई भी प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहा हो, बस फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। लता जी, हाँ जी, जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बदरपुर दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे ना बेटे के रीढ़ की हड्डी में गठिया बाय है और उसकी गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में, मतलब पूरे हिस्से में दर्द रहता है जी। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की रीढ़ की हड्डी में ना गठिया बाय है। नहीं, एज बताइए। एज उसकी है 28। कोई मेहनत का काम करता है क्या बच्चा? नहीं, कुछ भी नहीं करता मेहनत का काम। तो पहले करता था? नहीं, कुछ नहीं। कोई एक्सरसाइज करता था? इतनी कम उम्र में ऐसा नहीं होता कि ये दर्द हो जाए दो जगह, गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में। तो अगर कुछ ऐसा करता हो तो कुछ दिन के लिए रोक दें। और देखिए, एक नुस्खा है, लेकिन उसको सबसे पहले हिदायत ये है कि देखिए, आपके घर में एक ये जो कुर्सी वाला बाथरूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो इंतज़ाम करिए, कुर्सी वाला लगवा लीजिए, वेस्टर्न टॉयलेट जिसे कहते हैं। और ज़मीन में बैठने का, वज़न उठाने का या मेहनत करने का परहेज़ है जब तक उसका इलाज चले। और एक गौंद आता है जिसे काला गौंद भी कहते हैं, गौंद स्याह कहते हैं, गौंद स्याह, और इसको हासिल कर लीजिए। जायके में काफ़ी कड़वा होता है ये, और काला होता है यानी सिया कहते हैं, काले को कहते हैं। इसका पाउडर बना के चाहें तो चने के बराबर या मटरे के दाने के बराबर गोलियां बना लें, और एक गोली सुबह एक गोली शाम खाने के बाद पानी या दूध या जूस से उसे दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 टाइम दीजिए और 5-6 दिन के बाद ये फ़ायदा शुरू करेगा, थोड़ा सब्र करें।
वज़न और मेहनत उठाने का परहेज, और ये 100-150 ग्राम जो आप ख़रीदेंगे इसके ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होते होते आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रश्मि जी, गाज़ियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बताइए। एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। मेरी बेटी से 2.5 साल हो गए शादी की, तो अभी कोई बच्चा नहीं रहा उससे। कोई? हेलो, जी जी सुन रहे हैं हम। कोई चेकअप कराया? कुछ डॉक्टर ने बताया? तो कोई घरेलू नुस्खा बता दो। ठीक है, आप ये बताइए कोई परेशानी तो नहीं है उनको? मेंसिस की कोई परेशानी हो? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, बस डॉक्टर कहते हैं वैसे तो ठीक है। नशे में पानी बताया, पानी की दवाई भी मतलब चली गई थी। ठीक, अच्छा देखिए, एक दवा है बहुत सस्ती है, इतनी सस्ती है, और ये अश्वगंधा आपने सुना होगा, एक बहुत मशहूर बूटी है हिंदुस्तान की अश्वगंधा। ऐसी लंबी लंबी डंडियाँ आती हैं, वो साबुत डंडियाँ लेना, रॉ मटेरियल ही लेना। इसकी गोलियाँ भी मिलती हैं वैसे, लेकिन आप रॉ मटेरियल ही लेना, और इसका पाउडर घर पे बना लीजिए, अपने ग्राइंडर में बनाएंगे बन जाएगा, छान लीजिए, और एक चुटकी में जितना आए अश्वगंधा का पाउडर वो बच्ची भी खाए और वो आपके दामाद भी लें रात को दूध के साथ, आधा गिलास दूध या एक गिलास दूध के साथ दोनों ले लिया करें, और ये 100 ग्राम अश्वगंधा ख़त्म होते होते उनको उम्मीद हो जाएगी, और आप उनको उम्मीद हो जाए तो आप हमें फ़ोन करके बताइए कि आपकी आरजू पूरी हो गई है। तो चलिए आपकी आरजू अवश्य पूरी हो जाएगी। देखिए, जहाँ पे दर्शकों आप लोग इतना ट्रीटमेंट कराते हैं उसके बावजूद भी आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई है ना। तो एक बार आप वो उपचार ज़रूर अपनाएं जो आप लोगों को यहाँ पे हकीम साहब जी बताते हैं, फिर इसी कार्यक्रम में कॉल करके हमें अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को कितना ज़्यादा आराम मिला है, राहत मिली है, और आपके जीवन से हर एक रोग दूर हो गया है। तो अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए दर्शकों, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आज अपना कीमती समय निकाल के एक कदम आगे बढ़ा के अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपनी सेहत के बारे में सोचना है और सेहतमंद होना है, तो फोन उठाइए दर्शकों, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, लक्ष्मी जी स्वागत है आपका। हाँ जी बोलो जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। मेरे को मैडम थोड़ी सी ना लीवर में तकलीफ है, पर दवाई तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अगर कोई थोड़ा सा घर का नुस्खा मिल जाए तो साथ में, और क्या खाना है क्या नहीं खाना, डॉक्टर लोग तो बताता नहीं है, दवाई दे देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या परहेज है ये जरा कृपा करके बता दीजिए। एज बताइए अपनी। हाँ जी, आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु कुछ होगी 70-75 साल तक। अच्छा, कितने दिन से ये आपको रोग है? ये रोग तो वैसे कब का थोड़ा थोड़ा ना दर्द होता था, तो अल्ट्रासाउंड कराती थी तो लीवर में थोड़ी सी सो जाते थे, अब कहते हैं कि लीवर में खराबी आ गई है, अल्ट्रासाउंड कराया है तो देखो, एक दफा उन्होंने एंडोस्कोपी भी किया है। ठीक है, मैं समझ गया। और देखिए, एक घरेलू इलाज है, सबसे पहले तो आपके लिए एक हिदायत है कि एनिमल फैट छोड़ दें। एनिमल फैट दूध में भी होता है, घी में भी होता है, और बल्कि चिकनी चीज़ें ही कम कर दें बहुत ज़्यादा। लोग दूध पीते हैं और सोचते हैं एनिमल फैट नहीं खा रहे, गोश्त में भी होता है एनिमल फैट, दूध में भी होता है, वही चर्बी, वही सब कुछ, तो ये सब तो छोड़ दें आप, और हल्की गिजाएँ खाएं जो हल्के हजम हो जाए। और एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, लिख लीजिए, जैतून का सिरका, यानी ऑलिव का ऑयल भी आता है, खाते हैं रईस लोग खाते, और ऑलिव का सिरका भी आता है, जैसे गन्ने का सिरका आता है, और
सेब का सिरका आता है, ऐसी ऑलिव का सिरका आता है, यानी विनेगर आता है। तो रात को सोते समय 2-3 चम्मच छोटा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और मिक्स करके पी जाया करें। अगर आप लगातार 1-2 महीना करते हैं तो आपकी लीवर की और पेट की समस्या का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। दिनेश जी हैं शाहजहांपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सर। जी प्रश्न कीजिए। सर जी आदाब। मैंने बताया सर, मेरी वाइफ के दोनों घुटनों में दर्द है सर और डायबिटीज है सर। जी ठीक है। हाँ देखिए, डायबिटीज के लिए जो दवा आप लेते हैं लेते रहिए, और यूनानी में भी वैसे डायबिटीज की दवाएं हैं, और जितना वो खाना खाती हैं, अगर 3 रोटी खाती हैं तो 2 कर दीजिए, और पानी गर्म पानी 5 गिलास पिए, गर्मा गर्म पानी जितना भी वो गर्म पी सकती हो, और गोंद स्याह यानी काला गोंद, एक गोंद आता है गोंद स्याह, ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, और ये कड़वा होता है देखने में, और स्याह मतलब काला, काला होता है रंग में, बाकी कोई गोंद काला नहीं होता और ये काला होता है, कड़वा बहुत होता है। इसको पाउडर बनाएं, रॉ मटेरियल है, और 0.5 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और 0.5 ग्राम शाम अगर खिलाएंगे तो चंद हफ्तों या चंद महीनों में आपकी पत्नी का दर्द ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, आपकी जो पत्नी को दर्द हो रहा है, जो कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार आप ये उपचार अवश्य अपना के देखिए जो हकीम साहब जी ने आपको बताए हैं, फिर देखिएगा धीरे धीरे करके उनकी परेशानी कम हो जाएगी दर्श को। और अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स के बारे में, तो ये एक ब्रांडेड कंपनी है और देश भर में 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी है। चलिए, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं उनसे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रामजीवन जी स्वागत है आपका। मैं बोल रहा हूँ रामजीवन अग्रवाल। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे को शुगर हो गया है। जी शुगर हो गया है। कितना रहता है? एक महीने से एक दो महीना हो गया है। एक दो महीना पहले बिल्कुल शुगर नहीं था मेरे को। ठीक है अग्रवाल साहब, एज कितनी है आपकी? मेरी एज तो काफी है, 76 है। अच्छा देखिए, अभी हुआ है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है। आप जो भी दवा लेना चाहें लेते रहिए, लेकिन 2-3 बातें मेरी मान लीजिए। एक तो रोज़ाना 1 घंटा आपको पैदल चलना है। एक साथ नहीं चल सकते अगर इस उम्र में, तो आधा आधा घंटा करके चलिए। आधा आधा घंटा करके भी नहीं चल सकते तो 15-15 मिनट करके चलिए, लेकिन 1 घंटा कर लीजिए पूरे दिन में। एक तो ये, दूसरा ये कि आपको 5 बार गर्म पानी पीना है। गर्म पानी जितना आप पी सकें, 5 गिलास गर्म पानी रोज़ पिया करिए। और एक सिरका आता है विनेगर, एक विनेगर आता है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, आप लिख लीजिए। सिरके बहुत तरह के आते हैं, लेकिन ये अलग टाइप का सिरका है, ऑलिव का सिरका यानी जैतून का सिरका, जेड फॉर जैतून। सुबह पिए नाश्ते के बाद 2 चम्मच पानी में मिला के, छोटे चाय के चम्मच, और रात को भी 2 चम्मच पानी में मिला लीजिए, 1 गिलास पानी में, और उसे पी लिया करिए। और जो दवाई खाते हैं वो खाते रहिए, आप देखेंगे कि आप अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि अभी अभी आपको हुई है तो अभी आप मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। प्रवीण जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी प्रवीण जी। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी आदाब प्रवीण। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बॉडी के ऊपर गांठें बनी हुई है और पीठ पे तो काफी बड़ी गांठ है, बाकी हाथों पे, साइडों पे, कमर पे जगह जगह गांठें हैं, और ये परिवार में सभी भाइयों को सबको ही है,
तो इसका इलाज मैंने पूछना था कि क्या करूं, कोई देसी घरेलू उपचार कोई हो तो जी। आप सब हेल्दी हैं? हाँ यस हेल्दी है जी, बिल्कुल ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये यकीन रखिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जितने भी हेल्दी लोग होते हैं उनके शरीर में इसकी कोलेस्ट्रॉल की यानी चर्बी की गांठें लाजमी तौर पर होती हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। और ये हमारा शरीर, जब हम ज़्यादा चर्बी का सेवन करते हैं तो हमारे जिस्म में डिपॉजिट कर देता है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि चर्बी का सेवन, एनिमल फैट ख़ास तौर पर, यानी एनिमल फैट दूध में होता है, हम दूध तो पीते हैं लेकिन सोचते हैं हम एनिमल फैट नहीं खाते, हम चर्बी खाते हैं और गोश्त को उससे परहेज करते हैं, दूध से परहेज नहीं करते। ये दोनों एनिमल फैट हैं, मक्खन है उसमें भी एनिमल फैट होता है, घी में भी एनिमल फैट होता है, तो ये एनिमल फैट से परहेज करें। और वेजिटेबल ऑयल, वो भी सरसों का तेल या नारियल का तेल, ऐसे तेल बहुत फ़ायदेमंद हैं, सूरजमुखी का तेल, इसका इस्तेमाल करें, वो भी असली मिल जाए तो। आजकल असली मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो इसका इलाज कराना बेकार है, क्योंकि इतना वक्त लगता है इनको पिघलने में, काफ़ी वक्त लगता है। पैदल चलिए और अपने खाने में, हमारे घरों की महिलाएं बुरा ना मानें तो मैं बताऊं कि इतनी सी अदरक, इतना सा लहसुन इस्तेमाल करती हैं, और इतना सा ही हम वो डालते हैं ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें चर्बी को काटने वाली हैं। तो इतना लहसुन, अगर लहसुन यूज़ होता है आपके यहाँ, इतनी अदरक और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा, इसे इस्तेमाल किया करें खाने में, तो और जो होने वाली गांठें हैं वो नहीं होंगी। और पैदल चलें खूब, गर्म पानी खूब पिएं, तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है।